प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबा भाषण दिया मगर उम्मीदें बढ़ाने वाला भाषण, केवल राजनीतिक भाषण दिया, जिस भाषण में जुमलों की बरसात हुई मगर जुमले सबको मालूम है, जुमले ही रह जाते। डबल इंजन के जुमले का कारनामा उत्तराखंड भुगत चुका है। कैसे 5 साल बीते उत्तराखंड उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, विकास ठप पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड की जवानी भी और पानी भी उत्तराखंड दी काम ऑन, लेकिन कितना काम आएगा या आ रहा है उसका कोई रोड मैप और उसकी कोई जानकारी प्रधानमंत्री जी को या तो है ही नहीं या उन्होंने जानबूझ करके छिपाई। पिछले 5 साल में जिन पदों पर कांग्रेस के समय में अध्याचन प्रारंभ हुआ था वो पद भी नहीं है, 24,000 से ज़्यादा पद रिक्त पड़े, आगे की कोई संभावना ही नहीं दिखाई देती। कोरोना काल में हजारों हाथों से काम छिन गया, उनको काम कैसे फिर मिलेगा उसके लिए कोई रोड मैप इस सरकार के पास नहीं है। हमने पलायन रोकने के कई उपाय, जिसमें स्थानीय उत्पादों, स्थानीय खान पान, स्थानीय वस्त्र आभूषण आदि आदि को बढ़ावा देना भी सम्मिलित था, उन सब योजनाओं को एक एक करके ठप कर दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पहाड़ की जवानी भी, पहाड़ का पानी भी, पहाड़ के काम कौन और कहाँ आ रहा है, ये प्रधानमंत्री जी कहीं भी इंगित नहीं करते हैं और कैसे आएगा इसका भी कोई रोड मैप नहीं बताते। तो प्रधानमंत्री का भाषण कुल मिला करके उत्तराखंड के लिए निराशाजनक है। हाँ, राजनीति उसमें बहुत है और उनकी राजनीति का हम राजनीति से जवाब देंगे। वो प्रधानमंत्री हैं मगर हम उत्तराखंडी हैं और उत्तराखंड इस बात को भली भांति समझ गया है कि इन 5 सालों में कोई चीज़ यदि खतरे में पड़ी है तो वो उत्तराखंडियत है, उत्तराखंड की तरफ उत्तराखंड के लोगों के बढ़ते हुए कदम है। उनकी सरकार ने वो सारे काम जो उत्तराखंड के आम लोगों की भलाई के लिए, गरीब मजदूर पिछले ग्रामवासियों की भलाई के लिए, महिलाओं और नौजवानों की भलाई के लिए, दलितों की भलाई के लिए प्रारंभ किए जा रहे थे, चुन चुन करके बंद किए। उनसे हिसाब पूछेगा उत्तराखंड कि क्यों जल बोनस, वृक्ष बोनस, मड़ुआ बोनस, मोटे अनाजों पर बोनस देने की सरकार की स्कीम को बंद किया। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।